आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ की वीर सपूतों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। उन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। आज उन्हीं महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाने वाला कृष्णपुरा पुल से जूना तुकोगंज हैमिल्टन मार्ग को बिना किसी की स्वीकृति के पूर्व पार्षद ने अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बदल दिया था, जिसे लेकर राजपूत समाज एवं पालीवाल ब्राह्मण समाज में भी जमकर आक्रोश पनपा था। इस मामले में गुरुवार शाम को दोनों समाज के लोग एक स्थानीय नागरिक पार्षद का पुतला दहन कर आंदोलन करने वाले थे, किंतु इसके पूर्व ही पार्षद दीपिका कमलेश नाचन की ओर से उनके परिजन देवेंद्र गोपाल राव नाचन ने आकर मार्ग के नाम को लेकर नगर निगम की त्रुटि बताते हुए उक्त मार्ग का नाम राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप के नाम पर रहने की बात कहते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया। आइए पहले जानते हैं एक छोटी सी वीडियो द्वारा महाराणा प्रताप के बारे में। नमस्ते। वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है, जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को झुका दिया था। लगभग 20 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका को मजबूरन वियतनाम से शांति संधि करनी पड़ी। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में अमेरिका को बुरी हार के साथ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका पर विजय प्राप्त करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति हो चो मिन्ह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है, सवाल यही होगा कि आप युद्ध कैसे जीते या आपने अमेरिका को कैसे झुका दिया। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। वियतनामी राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा। उस जीवनी से प्रेरणा और युद्ध नीति का प्रयोग करके हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा कि कौन था वो महान राजा। दोस्तों, उस महान राजा का नाम सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वियतनाम के राष्ट्रपति हो चो मिन्ह ने खड़े होकर जवाब दिया, वो भारत के राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह थे। महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में वीरता भरी चमक थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो पूरे विश्व पर शासन किया होता। कुछ वर्षों के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसने अपने समाधि पर यह लिखवाया कि यह महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि है। मेवाड़ रत्न और शूरवीर योद्धा के नाम पर बने मार्ग का नाम इंदौर के नगर निगम के एक पूर्व पार्षद ने अपने परिजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोपाल राव नाचन के नाम पर कर मार्ग पत्थर लगाकर इंदौर के निवासी और मेवाड़ वासियों के साथ खिलवाड़ किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संस्था दवे ग्रुप पालीवाल ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के द्वारा इंदौर शहर में किए गए इस घिनौने हरकत पर चरणबद्ध आयोजन किए गए, परंतु उसके बाद भी मार्ग का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर नहीं किया गया, जिसे लेकर राजपूत समाज और पालीवाल ब्राह्मण समाज ने गुरुवार को पार्षद का पुतला दहन करने के साथ ही आंदोलन करने एवं मार्ग का नामांकन महाराणा प्रताप के नाम पर करने की घोषणा कर दी थी, किंतु बाद में पार्षद के परिजन देवेंद्र गोपाल राव नाचन द्वारा मौके पर आकर नामकरण के विवाद को नगर निगम की गलती बताया। तत्पश्चात राजपूत समाज एवं पालीवाल ब्राह्मण समाज ने पार्षद का पुतला दहन का कार्यक्रम एवं आंदोलन को स्थगित करते हुए विवाद को समाप्त किया। गौरतलब है कि उक्त मार्ग का नाम महाराणा प्रताप मार्ग कर पट्टिका लगाए जाने की मांग को लेकर संस्था दवे ग्रुप और पालीवाल ब्राह्मण समाज के द्वारा 1 अप्रैल 2021 गुरुवार को पालीवाल ब्राह्मण समाज और क्षेत्रीय रहवासी व व्यापारियों के हस्ताक्षर कराए गए और सभी ने इस विषय को संज्ञान में लेकर गंभीर मामला बताते हुए और आक्रोश जताते गौर विरोध करते हुए हस्ताक्षर कराया गया एवं शीघ्र ही इस मार्ग का नाम वीर योद्धा और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप मार्ग करने की मांग की। 4/2021 को नगर निगम ने आयोजित किया। उसमें बड़ा पुल से चार बीघा मंदिर होते हुए रामबाग पेट्रोल पंप तक जो मार्ग था महाराणा प्रताप मार्ग, उसे नाम को हटाकर नाचन मार्ग कर दिया गया है। इस विषय में हम आज आयुक्त महोदय प्रतिभा पाल जी से मिले हैं और पत्र देकर
उनको सूचना दी है कि इस मार्ग को पूर्ण महाराणा प्रताप मार्ग किया जाए। इसके बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में सभी लोगों ने क्षेत्र में घूमते हुए लोगों को मार्ग का नाम महाराणा प्रताप मार्ग होने की जानकारी दी। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के विजय सिंह परिहार, दीपेंद्र सिंह सोलंकी, पप्पू ठाकुर, गोविंद सिंह परिहार, तुलसीराम रघुवंशी, अजय सिंह तंवर, केतन भाटी एवं पालीवाल ब्राह्मण समाज से सुरेश दवे, महेश जोशी, अनिल बागोरा, कैलाश दवे एवं जमुना लाल व्यास मुख्य रूप से उपस्थित थे। उक्त मार्ग जो कृष्णपुरा पुल से यहाँ रामबाग से होते हुए जूना दुकोगंज के नाम से जो पहले जाना जाता था, मध्य प्रदेश शासन ने 1970 में अपने प्रस्ताव में नगर निगम को भेजा और नगर निगम ने 1996 के प्रस्ताव में महाराणा प्रताप के नाम से इस पूरे मार्ग को किया था। लेकिन अभी वर्तमान में पार्षद नाचन द्वारा इस मार्ग को उनके पिताजी के नाम से करवा लिया गया था, जिसका हमने विरोध करा। बाद में नाचन जी को पता चला कि ये महाराणा प्रताप के नाम से है, तो उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए आज और उन्होंने इस मार्ग में महाराणा प्रताप का नाम मार्ग का करने में सहमति प्रदान की। आज हम सब राजपूत समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने यहाँ पर नाम पट्टिका में महाराणा प्रताप का नाम से इस मार्ग को करा और अब सभी यहाँ के रहवासी एवं दुकानदारों से निवेदन करेंगे हम सब जाके कि अपने एड्रेस में आप महाराणा प्रताप मार्ग का नाम ही लिखवाएं और अपने शहर का और देश का नाम गौरवान्वित करें। क्या शासकीय दस्तावेजों में भी महाराणा प्रताप मार्ग नाम दर्ज है इसका? हाँ, सन 1996 में नगर निगम के प्रस्ताव में महाराणा प्रताप के नाम से यह मार्ग प्रस्तावित हो चुका है। विवाद तो नाचन जी के द्वारा शुरुआत की गई थी और अभी वो इंदौर से बाहर हैं पार्षद महोदय। अभी उनके अंकल जी आए हैं और उन्होंने बोला है कि भाई इसमें हमारा कोई वो त्रुटि नहीं है, त्रुटि नगर निगम की है। नगर निगम के द्वारा अगर हमको पहले जानकारी दी जाती तो हम ऐसा नहीं करते। खैर ठीक है, उन्होंने आके उनके अंकल जी को भेजा, अंकल जी ने यहाँ पूरा पूर्ण समर्थन दिया और ये कहा कि हमारा पूरा परिवार महाराणा प्रताप के आदर्श को लेके आगे चल रहा है। वो वीर महापुरुष हैं, वीर शिरोमणि हैं, राष्ट्र गौरव हैं, हम उनका कभी विरोध नहीं करेंगे और हम पूरे समाज के साथ में यहाँ पे चाहे राजपूत समाज हो चाहे पालीवाल समाज हो सबके साथ में हैं और हम उसका कोई अब आगे विरोध नहीं करेंगे और हम उसकी रक्षा करेंगे। मैं इस अवसर पर उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं और हमारे सारे युवा साथियों को जिन्होंने जो काम हुआ था और पल्लीवाल समाज का भी कि उसका ज्ञान किसी को नहीं था और इन्होंने उस काम मामले को उठाया और उठा के उसकी जो गलती थी उसको हटा के और पुनः ये जो महाराणा प्रताप जी महापुरुष हैं उनका नाम किया। मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूं और युवा साथियों को और नाचन जी अभी बोलेंगे और हम उनके बोलने के बाद में ये आंदोलन को समाप्त कर सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे गली में हम लोग अभी पद यात्रा निकालेंगे। धन्यवाद देता हूँ पालीवाल समाज, राजपूत समाज, यादव समाज और अन्य समाज और इस रोड पे विराजमान सभी नागरिकों का। क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने का नाम था हैमिल्टन रोड, उसकी बहुत फाइलें चली, कागज़ चले जो 1970 में पास होके महाराणा प्रताप हो गया था, मगर इतने वर्षों बाद चलते चलते ये नाम 97 में महाराणा प्रताप हो गया था, है ना। और जैसा कि नाचन साहब ने बताया है कि नगर निगम की गलती से इसका नाम नाचन मार्ग कर दिया गया था, उनका उन्होंने पटापेक्ष कर दिया है। उस पटापेक्ष को करने के बाद हम यही चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनकी भी भावना ऐसी है कि शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे महान योद्धा के सामने नाचन साहब बहुत छोटे व्यक्ति हैं, है ना। इतने छोटे व्यक्ति का नाम इतने बड़े मार्ग के ऊपर के सामने हम नहीं टिक सकते, इसलिए उन्होंने अपने नाम का वापस ले लिया है। इसलिए पालीवाल समाज, राजपूत समाज, सभी यादव समाज, पुराने जो महाराणा प्रताप नाम का वापस
नाम शिरोमणि महाराणा प्रताप कर दिया गया है, उसके लिए हम इन सभी जितने भी सब लोग पधारे हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनकी ड्यूटी के वजह से हुआ है जो भी है, और इसका अपन पूरा समर्थन करते हैं मार्ग का, महाराणा प्रताप का, और हमारा पूरा परिवार का सहयोग है इसमें। ये जो पार्षद दीपिका जी वो आज इस मौके पर उपस्थित नहीं है, वो बाहर हैं, मैं आया हूँ। आप उनकी तरफ से आए, तो क्या ये जो विवाद है इसका पटाक्षेप हो गया, खत्म हो गया? खत्म हो गया, बात ही खत्म। कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा महाराणा प्रताप के लिए? कौन ऑब्जेक्शन? पूरा भारत में कोई नहीं उठा सकता।